नमस्कार दोस्तों, साइबर हिंदी यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप श्रमिक पंजीकरण कैसे कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप किसी भी व्यक्ति का श्रमिक पंजीकरण करके उसका श्रमिक कार्ड बना सकते हैं, जिससे वह अनेक योजनाओं का लाभ ले सकता है। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी देंगे कि श्रमिक कार्ड होता क्या है और कैसे यह बनाया जाता है। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि जिन लोगों के पास सीएससी सेंटर है वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, आप लोग इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यदि आपके पास सीएससी सेंटर नहीं है तो आप अपने कॉमन सर्विस सेंटर जाइए और वहां से इस फॉर्म को अप्लाई करवा लीजिए। तो चलिए बात करते हैं इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ने वाली है। तो सबसे पहले आपको पड़ने वाली है जरूरत एक पासपोर्ट साइज फोटो की, जो कि स्कैन होकर इसमें अपलोड होगा। दूसरा आपको चाहिए होगा आपका बैंक अकाउंट की पासबुक, और तीसरा आपका आधार कार्ड, और चौथा नियोजन प्रमाण पत्र। तो मैं यहाँ पर नियोजन प्रमाण पत्र के बारे में आपको बताता चलूँ। नियोजन प्रमाण पत्र मजदूरी को सत्यापित करने का एक प्रमाण पत्र होता है। मान लीजिए आप किसी के पास मजदूरी करते हैं तो आप उससे किसी कोरे कागज पर लिखवाकर उसके मोहर और सिग्नेचर करवा के उसे बनवाकर ला सकते हैं, उसे ही नियोजन प्रमाण पत्र बोलते हैं। इसका एक फॉर्मेट मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और उस पर मोहर लगवा सकते हैं और अपना नाम और पता वहां पर भर सकते हैं। आगे बात करते हैं इसमें आयु सीमा की, इसमें कितनी उम्र के लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो इसमें 18 साल से 60 साल तक के बीच के व्यक्ति इसको फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, श्रमिक कार्ड बनवा सकते हैं। फिर चाहे वह विवाहित हो या अविवाहित हो, कुछ भी हो, आपका इसमें चल जाएगा। अब आपको इसके फायदे बता देते हैं क्या है इसमें। सुना है, मैंने कंफर्म नहीं हूँ लेकिन सुना है कि इसमें रजिस्ट्रेशन होते ही, पंजीकरण होते ही आपका 5 लाख रुपए का बीमा हो जाता है। इसी वजह से आपके हर साल 50 रुपए इसमें जमा होते हैं और इसमें अनेक प्रकार की योजनाएं आती है। तो चलिए अब शुरू करते हैं कि इसको ऑनलाइन अप्लाई कैसे करते हैं, स्टेप बाय स्टेप कम्प्लीट वीडियो देख लेते हैं। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपकी वीडियो के नीचे एक लाल कलर का बटन है, उसको दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में एक घंटे का ऑप्शन आपको दिखेगा, उसको भी आपको दबा देना है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, श्रमिक पंजीकरण करने के लिए आपको अपने गूगल क्रोम ब्राउजर में आ जाना है। यदि आप लैपटॉप पर कर रहे हैं तो डायरेक्ट वेबसाइट ओपन हो जाएगी, और यदि आप मोबाइल से करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है। फिर ये 3 डॉट है, इन पर क्लिक करना है और डेस्कटॉप वर्जन में इसको क्लिक कर ले टिक कर देना है। यहाँ पर देखिए डेस्कटॉप में ये सेट हो गया है। अब आपको यहाँ पर डायल करना है upLMIS.in। इस वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप डायरेक्ट भी इस पर आ सकते हैं। इसको सर्च कर लेना है। सर्च करते ही इस तरीके का आपके सामने एक होम पेज ओपन होगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाता है लेबर कमिश्नर ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर देखिए आपको इस पर गो पर क्लिक कर देना है, सबसे पहले वाले पर। इस पर क्लिक करते ही यहाँ पर देखिए सीएससी कनेक्ट आ रहा है। तो आप सीएससी यूज़र है तो आप इस पर क्लिक करके इसके अंदर लॉगिन हो जाइए। एक बार फिर मैं आपको बताता चलूँ, ये सिर्फ सीएससी यूज़र ही इस कार्ड को बना सकते हैं। जिनके पास कॉमन सर्विस सेंटर सीएससी है वो ही इस कार्ड को बना सकते हैं। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं सीएससी कनेक्ट पर। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप इसके अंदर लॉगिन हो जाएंगे। यदि आप लॉगिन नहीं होते हैं तो आपके सामने डिजिटल सेवा पोर्टल का एक पॉपअप विंडो आएगा, उसमें आपको अपनी सीएससी आईडी डाल देनी है और सीएससी का पासवर्ड डाल देना है और लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। तो यहाँ पर देखिए आपको कुछ कॉलम मिलेंगे सबसे नीचे। तो यहाँ से देखिए आप श्रमिक पंजीकरण, यहाँ से आप श्रमिक का पंजीयन कर सकते हैं, जैसा कि मैं आपको अभी करके दिखाऊंगा। और यहाँ पर आप अंशदान नवीनीकरण, यानी आप यहाँ से इसकी जो वार्षिक फ़ीस होती है 50 रुपये वार्षिक, वो आप यहाँ से जमा कर सकते हैं। फिर यहाँ पर देखिए आप योजना का आवेदन, इसमें जो जो योजनाएँ होती है उनका आवेदन आप यहाँ से कर सकते हैं। और पंजीयन स्थिति, आप इस पर क्लिक करके यहाँ पर पंजीकरण स्थिति को जान सकते हैं, आपके आपका पंजीकरण हुआ है या नहीं। और यहाँ पर अधिष्ठान पंजीयन, इसके बारे में बाद में चर्चा करूँगा, आपको फुल डिटेल में बता दूँगा। फिलहाल हम श्रमिक कार्ड को बनाने के लिए श्रमिक का पंजीयन कैसे करते हैं वो जान लेते हैं। तो सिंपली आपको श्रमिक पंजीयन पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह का पेज आएगा। तो यहाँ पर आपको देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डालना है, यानी जिसका आप पंजीकरण करना चाहते हैं उसका आधार नंबर यहाँ पर आपको डालना है। बिना आधार के आप इस फॉर्म को नहीं अप्लाई कर सकते।
तो यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर टाइप करना है, उसके बाद ये डेट आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक फिल होगी। जिस तारीख को आप इसको अप्लाई करेंगे वो तारीख यहाँ पर ऑटोमेटिक ही आ जाएगी, इसको आप बदल नहीं सकते। फिर यहाँ पर एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको अपलोड करना है, जिसका साइज 50 KB से नीचे का होना चाहिए, 50 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। JPG फॉर्मेट में यहाँ पर आप फ़ोटो अपलोड कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना नाम यानी कि श्रमिक का नाम जिसका आप पंजीकरण कर रहे हैं उसका नाम यहाँ पर आपको डालना है हिंदी में, और यहाँ पर आपको डालना है अंग्रेजी में। फिर यहाँ पर आपको श्रमिक का पिताजी का नाम हिंदी में डालना है, और यहाँ पर देखिए कार्य का प्रकार चुने, यहाँ पर आपको कार्य का प्रकार चुनना है। आप किस महकमे में मजदूरी का कार्य करते हैं वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे कि वेल्डिंग का कार्य करते हैं, बैड़ी का काम करते हैं, कुआं खोदना, रोलर चलाना, छप्पर डालने का बहुत सारे काम है यहाँ पर, आप जो भी इसमें से करते हो उसका सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि ईंट भट्टों पर ईंट निर्माण का कार्य, कुछ भी हो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए जो आप काम करते हैं। ध्यान रहे आप जिस भी महकमे में काम करते हैं उसका आपको एक नियोजन प्रमाण पत्र बनवाना होगा, जो मैंने शुरू में ही बता दिया था, तो वो आपको उसी महकमे में बनवाना होगा। तो फिर यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल जिसका पंजीकरण कर रहे हैं आप उसका, तो वहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिए। फिर उसके बाद आप यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए श्रमिक की जिसका पंजीकरण कर रहे हैं। फिर वैवाहिक स्थिति चुन लीजिए, विवाहित है या अविवाहित है, विधवा विधुर जो भी हो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आयु यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगी जैसे आप डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपनी जाति सेलेक्ट करनी है, किस जाति से आप है, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित, जो भी जाति हो आपकी वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है नियोजन का नाम एवं पता, यहाँ पर आप उसका नाम और पता डालेंगे जिसके पास आप मजदूरी का कार्य करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मान लीजिए आप ईंट भट्टे पर ईंट निर्माण का कार्य करते हैं, तो आपको उस भट्टे का नाम यहाँ पर लिखना है, और कौन से शहर कौन से ज़िले में वह भट्टा है, किस स्टेट में है, उसका पता यहाँ पर आपको डालना होगा उसके नाम के समीप, यानी कि उसका नाम भी आपको डालना होगा। जो आपका ठेकेदार वगैरह है उसका नाम यहाँ पर डालना होगा, और जो भट्टे पर कार्य करता है भट्टे का पता आपको यहाँ पर डालना होगा। एग्ज़ाम्पल के लिए मैंने ये बताया है, अन्यथा आप सिर्फ उसका ठेकेदार का नंबर डाल सकते हैं और उसका नाम डाल सकते हैं और उसका पता डाल सकते हैं। फिर यहाँ पर नियोजन का मोबाइल नंबर डाल दीजिए, यानी कि जिसके पास आप काम करते हैं उसका मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल दीजिए। इससे क्या होता है कि कभी कभी वेरिफिकेशन के लिए कॉल करके पूछ लेते हैं कि यह मजदूर आपके पास काम करता है या नहीं, तो उसको वेरिफिकेशन के लिए आप ज़रूर डालिएगा, यहाँ पर देखिए डालना ज़रूरी है। फिर यहाँ पर आवेदक का पत्र व्यवहार पता, यहाँ पर आपको अपना पता डालना है, अपने गांव वगैरह का नाम। फिर यहाँ पर आपको अपना जनपद, आपका जो जनपद है वो सेलेक्ट करना है ज़िला, और यहाँ पर आपको विकास खंड, यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से हो तो विकास खंड सेलेक्ट कीजिएगा, या नगर निकाय से हो तो आप नगर निकाय पर सेलेक्ट करके यहाँ से क्लिक करके इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ से आपके इसमें ऑटोमेटिकली सब कुछ आ जाएगा, जब आप यहाँ से अपना जनपद सेलेक्ट करेंगे तो उसी हिसाब से यहाँ पर आ जाएगा। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर डाल देना है, और यहाँ पर अपने गांव का नाम डाल देना है जिससे भी आप बिलोंग करते हैं। फिर यहाँ पर देखिए आवेदक का स्थायी पता, यदि पत्र व्यवहार एवं स्थायी पता एक ही है तो क्लिक करें, इस पर क्लिक कर दीजिए। यदि आपका पोस्ट पता भी यही हो सेम टू सेम, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है, ये ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पर देखिए गत 12 माह में निर्माण कार्य करने के दिनों की संख्या, तो यहाँ पर आपको कम से कम 90 दिन डालने ज़रूरी है या उससे ऊपर, तो यहाँ पर आप दिन डाल सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर 120 दिन डालने वाला हूँ, 120 दिन डाल दीजिए, कुछ भी डाल दीजिए लेकिन 90 दिन से ऊपर डाल लीजिएगा। फिर यहाँ पर देखिए पंजीकरण की राशि, यहाँ पर 20 रुपये का आपका चार्ज लगेगा, और यहाँ पर देखिए अंशदान नवीनीकरण अवधि, यहाँ पर देखिए यदि आप एक वर्ष के लिए इसको फीस जमा करना चाहते हैं तो एक वर्ष पर टिक कीजिए, दो वर्ष के लिए आप करना चाहते हैं इसकी फ़ीस जमा तो दो वर्ष, तीन वर्ष के लिए करना चाहते हैं तो तीन वर्ष। तो ये मैंने जैसे कि वीडियो में शुरू में ही बताया था कि इसमें 50 रुपये प्रतिवर्ष जमा होते हैं, तो आप इसमें दो वर्ष तीन वर्ष के लिए एकदम ही जमा कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक अंशदान 60 रुपये यहाँ पर आ जाएगा यदि आप तीन वर्ष पर करते हैं। तो फिलहाल मैं एक कस्टमर का बना रहा हूँ तो सिंपली एक वर्ष का ही रहने देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है यदि श्रमिक मनरेगा में कार्यरत हो तो टिक करें, यदि आप कोई श्रमिक मनरेगा में कार्य करता है तो यहाँ पर इस चेकबॉक्स पर टिक कर दीजिए, यदि नहीं करता है तो रहने दीजिए, यदि श्रमिक किसी अन्य बोर्ड का सदस्य है तो टिक करें, तो इस पर भी आपको टिक नहीं करना है, ऐसे ही छोड़ देना है। फिर यहाँ पर नॉमिनी, नॉमिनी का नाम यहाँ पर आपको डाल देना है,
नॉमिनी का मतलब यहाँ पर मैं आपको सीधे शब्दों में बता देता हूँ। मान लीजिए कोई दुर्घटना हो जाती है तो इसमें जो आपके बीमे की रकम होती है वह आपके नॉमिनी के नाम पर, जो आप नॉमिनी भरोगे उसको इस पर मिल जाती है। इसमें मैंने ऐसा सुना है, लेकिन मैं कंफर्म नहीं हूँ, सुना है सिर्फ मैंने कि इसमें पंजीकरण होते ही आपका 5 लाख रुपए का बीमा हो जाता है, तो इसलिए इसमें आपको नॉमिनेशन डालना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर आप अपने पति पत्नी या अपने बच्चे, अपने माता पिता, किसी का भी नाम डाल दीजिए और जो उसका आपसे संबंध है वो यहाँ पर आप डाल दीजिए। मान लीजिए आपने अपनी पत्नी का नाम यहाँ पर डाला तो आप इसमें संबंध में पत्नी चुन लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आप श्रमिक के शिक्षा का स्तर चुन लीजिए, आपका जो श्रमिक है वो कितना पढ़ा लिखा है, या बिल्कुल निरक्षर है तो आप निरक्षर पर टिक कीजिए, 5वीं 8वीं मैट्रिक जो भी पास हो इनमें से उस पर टिक कर दीजिए, बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है तो निरक्षर पर क्लिक कर दीजिए। फिर यहाँ पर आपको बैंक खाते की डिटेल लेनी है, यहाँ पर आपको अपने बैंक का नाम डालना है, किस बैंक में आपका बैंक खाता है, जैसे पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक, इनमें से कोई भी हो आप यहाँ पर डाल दीजिए। फिर उसका अकाउंट नंबर डाल दीजिए, खाता नंबर, और फिर यहाँ पर बैंक शाखा का नाम, आपकी बैंक शाखा का क्या नाम है, आप किस शहर में, कस्बे में आपकी बैंक है, उसका नाम यहाँ पर आपको डालना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना IFSC कोड डालना होगा अपने बैंक का। उसके बाद ये डालकर आपको इन तीनों चेक मार्क पर टिक करना होगा। इन पर टिक करते ही आप यहाँ पर देखिए डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको आधार कार्ड को स्कैन कर लेना है और यहाँ पर अपलोड कर देना है। JPG फॉर्मेट में आपका आधार कार्ड यहाँ पर अपलोड होगा और जो 200 KB से नीचे का होगा। पासबुक भी आपकी 200 KB से ऊपर की नहीं होनी चाहिए, 200 KB से नीचे की होनी चाहिए। और यहाँ पर नियोजन प्रमाण पत्र, जिसके बारे में मैंने जिक्र किया था कि आप जिसके पास मजदूरी का कार्य करते हैं उस पर आप लिखवा लीजिए, उसकी मोहर और हस्ताक्षर करवा कर यहाँ पर आप उसको अपलोड कर दीजिए, जो 200 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। ये सब चीज़ें बिल्कुल सही और अच्छे तरीके से डालकर आपको सबमिट एंड पे पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही आपको पेमेंट करना है। जैसे ही आप सारी डिटेल फिलअप कर लोगे उसके बाद आपके सामने भुगतान विवरण यानी कि पेमेंट का ऑप्शन आएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, श्रमिक आवेदन संख्या, आपको ये वाला जो नंबर है इसको नोट करके रख लेना है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। इसी के ज़रिए आप अपने कार्ड का प्रिंट आउट निकाल पाएंगे 3 दिन बाद, तो इसके बगैर आप नहीं निकाल पाएंगे, तो इसको आप ज़रूर संभाल के नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए आपको प्रीव्यू एवं एडिट, यहाँ से आप एडिट भी कर सकते हैं, यदि कोई गलती हो गई है, मिस्टेक हो गया, तो आप यहाँ पर इसको देखकर अभी ठीक कर सकते हैं, उसके बाद आप नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपको क्लिक करके पेमेंट कर देना है। चलिए हम पेमेंट कर देते हैं इसका। तो यहाँ पर देखिए 40 रुपये भुगतान राशि यहाँ पर आपका लिखा हुआ आ गया है, और नाम भी यहाँ पर आ गया है, और आवेदन संख्या भी यहाँ पर आ गई है। तो चलिए अब यहाँ पर पे फीस पर क्लिक कर देते हैं। इस पर क्लिक करते ही आपको फिर यहाँ पर इस तरह का ऑप्शन आएगा, फिर यहाँ पर आपको पे कर देना है। पे करते ही दोबारा से आपको यहाँ पर पे करना है, तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिक ही आपके CSC वॉलेट पर ले जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपने CSC वॉलेट से इसको पेमेंट कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको अपना CSC पासवर्ड डाल देता हूँ, मेरी CSC ID ये आ गई है, अब यहाँ पर CSC का पासवर्ड डाल देता हूँ। CSC का पासवर्ड डालते ही मैं इसके अंदर लॉगिन हो गया। अब आपको अपने वॉलेट का पिन यहाँ पर आपको डालना है, जो आपने बना रखा है वो ये पिन आपको यहाँ पर डाल देना है। चलिए मैं यहाँ पर पिन भी डाल देता हूँ और फीस को जमा कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है। अब आप इस रसीद का प्रिंट आउट निकाल कर कस्टमर को दे सकते हैं, और इसके 3 दिन बाद आपको इसका कार्ड का जो है प्रिंट आउट निकाल लेना है। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कार्ड को कैसे प्रिंट आउट करना है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो ज़रा भी पसंद आया हो, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर आपको CSC से रिलेटेड अनेक प्रकार के वीडियोज़ और इंटरनेट से जुड़े हर एक प्रकार के वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे।